हेलो एवरीवन, हरजीत की रसोई में आपका स्वागत है। मैं हरजीत, आज मैं मटन पाया सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। पाए जिनको कि हम पंजाबी में खरोड़े कहते हैं, इनमें कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत पाया जाता है। पाए का सूप बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके बोन्स में जॉइंट्स में पेन रहता है या जिनको आर्थराइटिस है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज आती हैं पसंद, तो आप इस रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, और साथ ही ये बेल बटन है, इसको प्रेस करने से आपको मेरी रेसिपीज सबसे पहले और फ्री में देखने को मिलेंगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। पाए का सूप बनाने के लिए ये मैंने 3 पीस लिए हैं पाए के, यानी खरोड़े के। तो आप जितना सूप बनाना चाहते हो उस हिसाब से पाए ले लें। तो साथ में ये मैंने एक प्याज को स्लाइस में पतला पतला कट करके ले लिया है, एक हरी मिर्च ली है, और ये मैंने जिंजर और गार्लिक लिया है। इनको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि इनके भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, और वैसे भी विंटर्स में इन जिंजर गार्लिक थोड़ा ज़्यादा ही खाना चाहिए। और ये मैंने एक लिया है तेज पत्ता, और दालचीनी की ये दो मैंने छोटी छोटी स्टिक ली हुई हैं। लौंग ली है 5 से 6, और ये 5 पीस मैंने काली मिर्च साबुत ली है। काली मिर्च पाउडर का यूज़ भी हम बाद में करेंगे सूप में। एक ये मैंने हरी इलायची ली है और 2 बड़ी इलायची ली हैं। इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है। तो सूप को हम बनाएंगे कुकर में, क्योंकि पाए गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। कुकर में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी तेज पत्ता, मोटी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। अब इसमें हम डाल लेंगे जिंजर और गार्लिक, और इनको मिक्स कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह। और अब इसमें जाएगा प्याज और हरी मिर्च। प्याज से सूप में थिकनेस आ जाती है, क्योंकि इस सूप में ज़्यादा कुछ डलता नहीं है, प्याज से ही थिकनेस आती है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा थिक सूप पसंद है तो प्याज थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो, 1 की जगह 2 प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज को हमने थोड़ा सा सौते ही करना है, ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, क्योंकि ये सूप है, सब्जी नहीं है। अगर सब्जी होती है तो हम इसको ब्राउन करते हैं, तो ये सूप है, इसमें हल्का सा इसे सौते करेंगे बस। और अब इसमें जाएंगे पाए। पाए को हम 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। पाए में कैल्शियम बहुत होता है, बोन्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। जब किसी को कोई बोन इंजरी होती है तो उस समय डॉक्टर्स भी उन्हें ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप पाए के सूप को पिए। इससे जो बोन में इंजरी होती है या हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। पाए की एक और रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है पाया करी के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अब इसमें जाएगा पानी। तो पानी आप इसमें 2 से 3 गिलास तक आराम से डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। और अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें। तो आप कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद, और इसे हम तेज गैस पर 2 से 3 विसल लगवा लेंगे। फिर उसके बाद गैस को कर देंगे बिल्कुल सिम, और उसे कम से कम आधा घंटा सिम गैस पर पकने देंगे। इस तरह से हमने टोटल पाए को 40-45 मिनट तक आराम से कुक होने देना है, तभी ये गलेंगे। अब 40 मिनट तक पाए पक चुके हैं। कुकर मैंने गैस को बंद कर दिया था, कुकर अब ठंडा हो चुका है, तो अब इसको खोल लेते हैं। ये देखिए पाए का सूप, ये दिखने में ऐसा ही होता है। इसमें अभी प्याज लहसुन अदरक मोटे मोटे हैं, तो इसको हमने छानना है। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया, इसके ऊपर रख लिया स्ट्रेनर। सूप हो चुका है ठंडा, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये जो पीस दिख रहे हैं हमें पाए के, इसको हम अलग निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। सूप तो नीचे इसमें जा ही चुका है हमारे पैन में। तो ये जो हमने एक स्पैचुला ले लिया है कड़छी, उससे हम इन मसालों को, ये जो गरम मसाले प्याज वगैरह हैं, इनको दबा दबा कर इसमें जो भी थोड़ा बहुत रस और पानी है वो भी नीचे आ जाएगा हमारे पैन में। तो अब इस तरह से ये देखें सूप अलग हो गया है और पाए अलग हो गए हैं। अब ये मैं दिखा देती हूँ पाए को एक पीस उठाकर, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गल गया है। अगर पाए इस तरह से ना गले हों तो आप इसे थोड़ा और पका लें, क्योंकि जब ये पूरे गले होंगे तभी ये खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सूप के पैन को मैंने रख दिया है गैस के ऊपर, और ये जो हमने पाए अलग से निकाले थे उसको भी सूप में डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम डाल सकते हैं। अब सूप में बॉईल आ गया है, तो आप ये देखिए कितना अच्छा सूप हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो गैस को कर देंगे बंद, और एंड में इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया।
अब इसको सर्व करेंगे तो आप इसको सर्व करते वक्त साथ में एक एक दो दो पीस पाए के भी डाल कर दें। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, विंटर में तो इसे बहुत ही पसंद किया जाता है। आप इसे बनाएं और बच्चों को भी दें, जिन बच्चों की बोन्स कमज़ोर होती हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको घर पर ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।